इस वीडियो में हम बात करने वाले पेट बुल के 10 प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के बारे में जान के आप अपने डॉग को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के रखी, जैसे कि लैब्राडोर के 10 प्रॉब्लम, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, पेट बुल, डोबरमैन, डेलमेशियन, ऐसे बहुत सारे डॉग के बारे में वीडियो बना के रखी। तो आपको वीडियो के एंड में या फिर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके भी वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एम रखते हैं कि आप 800 लाइक जरूर कम्प्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबकी डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जरूर से 800 लाइक जरूर कम्प्लीट कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो पेट बुल डॉग ब्रीड काफी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं और दोस्तों अपनी फैमिली के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग इन्हें एडॉप्ट भी करते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि और ऐसा बोलते भी है कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए ये डॉग सही नहीं है। बट दोस्तों अगर आप ये इन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं, आप एक अच्छे डॉग ओनर हैं या फिर आप इन्हें अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, दोस्तों आप इन्हें एडॉप्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप सेकेंड टाइम डॉग ओनर तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम डॉग ओनर होता है उनको एक्सपीरियंस होता है कि कैसे डॉग को संभाला जा सकता है, कैसे उनको ध्यान रख सकते हैं, जितना एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं होता, इसलिए उनको बहुत सी तकलीफ भी आ सकती है क्योंकि ये डॉग भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेकेंड टाइम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जो पेट बुल की सेकेंड प्रॉब्लम है वो है कि एग्रेसिव। दोस्तों ये डॉग ब्रीड काफ़ी एग्रेसिव होती है, इसलिए बहुत सारे कंट्री में इन्हें बैन भी कर लिया है। दोस्तों ये काफ़ी लोगों के ऊपर हमला भी करते हैं और इनके एग्रेसिव के कारण दोस्तों ये आपकी बात भी नहीं मानते। दोस्तों ये भी इनमें ज़्यादा करके प्रॉब्लम पाई जाती है और बहुत सारे कंट्री में इन्हें बैन भी किया है इनके एग्रेसिव के कारण। और दोस्तों जो तीसरी पेट बुल की प्रॉब्लम है वो है कि इनका मस्कुलर दिखना और दोस्तों इनका खाना। अगर आप इन डॉग को ब्रीड को एकदम हल्का फुल्का खाना दोगे तो दोस्तों ये काफ़ी मस्कुलर ब्रीड नहीं बनेगी। जैसे आप बाहर के डॉग को देखते हो काफ़ी मस्कुलर स्ट्रांग होते हैं और दिखने में काफ़ी हेल्दी और अच्छे दिखते हैं। अगर दोस्तों आप इन्हें अच्छा खाना नहीं देते, अच्छा देखभाल नहीं करते तो दोस्तों ये मस्कुलर डॉग ब्रीड नहीं रहेगी, एकदम पतली हो जाएगी और दोस्तों इनका वेट भी अच्छे से गेन नहीं होगा। इसलिए इनके बॉडी के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है और खाने के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी ये काफ़ी मस्कुलर और स्ट्रांग दिखेंगे। और दोस्तों जो पेट बुल की चौथी प्रॉब्लम है वो है कि इनको कंट्रोल करना। इन डॉग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बात भी आपकी नहीं मानेंगे बाहर जाके और बहुत ही दोस्तों यहाँ वहाँ आपको खींच के ले जा सकते हैं। इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको इनको बचपन से ही सोशलाइज और ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग देते, अच्छे से इनको ख्याल रखते और अच्छी ट्रेनिंग देते दोस्तों आपकी हर बात ये लोग मानेंगे और दोस्तों अच्छे से भी रहेंगे और आपकी हर बात भी मानेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत सारे पेट बुल होते हैं जिनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देते तो वो बहुत ही एग्रेसिव और दोस्तों आपकी बात नहीं मानते और यहाँ वहाँ भी आपको ले जाते और दोस्तों कंट्रोल करना भी उन्हें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जो पेट बुल की पांचवी प्रॉब्लम है वो है कि इनका अकेला रहना। दोस्तों ये डॉग ब्रीड को आप अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों ये क्या होता है कि कभी कभार आपको बाहर जाना होता है या फिर किसी के घूमने जाना होता है कहीं, तो दोस्तों आप ये डॉग ब्रीड को अकेला छोड़ देते दोस्तों इनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कभी कभार आपके घर का सामान या फिर घर का नुकसान कर सकते हैं, फिर ये डॉग ब्रीड डिप्रेशन में भी जा सकती है या फिर उदास रह सकती है, उसके कारण ये डॉग ब्रीड बीमार भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आपको बाहर जाना है तो घर का कोई सदस्य घर में होना जरूरी है, ताकि ये उसके साथ अच्छे से रह सकेगा। और दोस्तों जो पेट बुल की सिक्स प्रॉब्लम है वो है कि बाकी डॉग के साथ अच्छे से रहना या फिर ज़्यादा एग्रेसिव होना। दोस्तों क्या होता है कि ये कभी कभार आप बचपन से उन्हें बाकी डॉग के साथ सोशलाइज अच्छे से करते हो, अच्छे से खेलने देते हो, तो दोस्तों काफ़ी अच्छे फ्रेंडली भी डॉग ये बन जाते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे से भी खेलते और साथ साथ में आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनके साथ भी अच्छे से रहते। और दोस्तों सोशलाइज नहीं करते हो बाकी डॉग के साथ तो दोस्तों क्या होता है कभी कभार आप बाहर जाते हो तो दोस्तों बाकी डॉग के साथ भी ये दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव होते, कभी कभार उन पर हमला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और सामने वाले डॉग को भी या फिर आपके डॉग को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। इसलिए इन डॉग को जो पहले से दोस्तों आप सोशलाइज जरूर कीजिएगा ताकि ये अच्छे से रहे। तो दोस्तों जो पेट बुल की सातवीं प्रॉब्लम है वो है कि इनकी प्योरिटी। दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी आप नया पप्पी लाएं तब उनकी प्योरिटी जरूर से चेक कीजिएगा कि ये डॉग ब्रीड ओरिजिनल है या नहीं है। आप चाहे तो उनके सर्टिफिकेट या फिर मदर फादर को जरूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेट बुल में प्रॉब्लम पाई जाती है कि बचपन में अच्छे से दिखते बट जैसे जैसे बड़े होते फिर आपको पता चल जाता है कि ये डॉग ब्रीड मिक्स डॉग ब्रीड है। दोस्तों ऐसे में अगर आप उनको अच्छे से पैसे भी देते तो भी दोस्तों आपको जो प्योर डॉग ब्रीड नहीं मिलती, इसलिए पहले से आप चेक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड जो पेट बुल की आठवीं प्रॉब्लम है वो है कि इनका बीमार पड़ना और इनकी बीमारी है। दोस्तों पेट बुल को ज़्यादा करके बोन कैंसर हो सकता है,
आई प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और कभी कभार वेदर चेंज के कारण या फिर वेदर सूटेबल नहीं होने के कारण ये बीमार या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे में आप डॉक्टर के पास जरूर रेगुलर चेकअप कराएं, जरूर ले जाएं, जिसके कारण आपके डॉग को कुछ भी बीमारी या फिर प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी हो सके। तो फ्रेंड जो पेटबुल की 9th प्रॉब्लम है वो है कि स्मॉल अपार्टमेंट, क्योंकि दोस्तों पेटबुल ज़्यादा एनर्जी और हाई एनर्जी वाला डॉग ब्रीड होता है, इसलिए इन डॉग को घूमना फिरना दौड़ना काफ़ी अच्छा लगता है, और ये डॉग ब्रीड एक जगह पे ज़्यादातर नहीं बैठे रहते, इन डॉग को चलना घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपका घर एकदम मीडियम साइज का है या फिर स्मॉल साइज का, ज़्यादा स्मॉल साइज का, तो दोस्तों आप इसे नहीं ले सकते। अगर आपका स्मॉल साइज का घर हो तो दोस्तों इसमें दिक्कत आ सकती है डॉग को आगे जाके, क्योंकि जब पपी होता है तब कुछ नहीं लगता, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मीडियम साइज का या फिर लार्ज साइज का घर हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बैकयार्ड है आपके घर के पास दोस्तों और भी अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका डॉग जो है कंफर्टेबल रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड जो पिटबुल की 10वीं प्रॉब्लम है वो है कि वेदर चेंज में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, और दोस्तों इंडिया का वेदर इनके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि वेदर जैसे चेंज होता है इनको प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभार दोस्तों ठंडी के मौसम में भी इनको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ठंड ना लगे, और वैसे ही जैसे समर आता है गर्मी की मौसम आती है तो दोस्तों ज़्यादा गर्मी ना लगे इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और दोस्तों बारिश में भी इनकी केयर कीजिएगा क्योंकि इनको स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों इनको कभी कभार जैसे वेदर आपका चेंज होता है या फिर वेदर चेंज होने लगा आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों इनकी केयर करना, इनको ख्याल रखना शुरू कीजिएगा। जितना आप इन्हें अच्छे से रखेंगे आपका डॉग काफ़ी हेल्दी और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।